देश में अनलॉक वन जारी है, तो ऐसे में लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले। ऐसे में बलरामपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाया है और फ्री में मास्क भी बांटे हैं। देश में अनलॉक वन जारी है, तो वही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। ऐसे में कहीं कहीं पर सरकार के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में बलरामपुर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। बलराम पुलिस का एक काम सराहनीय रहा है, जिसमें लोगों को मुफ्त में मास्क वितरित किया गया, जहां पर पुलिस लोगों के मुंह में खुद मास्क पहनाते हुए नजर आ रही है और पुलिस के कर्मचारी स्वयं लोगों को समझाकर मास्क पहनकर आने की हिदायत भी दे रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा के आदेशानुसार जनपद के सभी 13 थानों की पुलिस और एक महिला थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और जिले भर में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़कर कड़ी चेतावनी देते हुए उनसे जुर्माना शुल्क भी वसूला गया। और इसके साथ ही बलरामपुर नगर कोतवाली के अंतर्गत भगवतीगंज चौराहे पर सैकड़ों लोगों को बिना मास्क के घूमते हुए पाया गया, जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई। मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश यादव और महिला थानाध्यक्ष ममता सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान किया जा रहा है और उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। नाम बताओ। आपका नाम बताओ।